अब तक आपने देखा? आपको पता है ना क्या करना है? अगर इस बार कोई गड़बड़ हुई ना तो आप जानते नहीं हम क्या करेंगे। ये रही पूनम ठकुराई, लेकिन अगर अच्छे घर की लड़कियां ऐसी होती हैं तो इनसे हम नचनिया ही बेहतर हैं। उनमें ने जो कुछ किया, अगर आप लोगों की धार्मिक भावनाओं को इससे ठेस पहुंची है तो मैं इसकी तरफ से आप सबसे माफी मांगता हूं। अब देखिए आगे। अगर अभी भी आपको एतराज जताना है तो हक से जताइए, लेकिन तब जब आपने किसी का बुरा ना सोचा हो और आपके मन में कोई पाप ना। है कोई ऐसा यहां पर? अगर है तो सामने आइए, हम वादा करते हैं हम आरती पूनम से नहीं, उससे करवाए, कोई नहीं तो फिर इस हक से पुनमी पे उंगली उठा रहे थे आप लोग? किसी पे उंगली उठा तो याद रखो कि बाकी की चार उंगलियां आप पर भी उठ रही हैं। क्यों, ठीक कहा ना हमने? हमें माफ कर दो पूनम, बड़ी ठकुराइन सही कह रही है, गंदे तुम्हारे कपड़े नहीं, गंदी हमारी सोच है। धन्यवाद ठकुराइन, आपने हमारी आंखें खोल दी। सोच क्या रही हो पुनमी? अब कोई विघ्न नहीं रहा। आरती शुरू करो। सुखकर्ता दुखहर्ता, आपने हमारे सारे दुख उसी दिन हर लिए थे जब हमने लाखन ठाकुर के साथ फेरे लिए और हमें ऐसा ससुराल मिला। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बात को हम आज समझ रहे हैं। हमारे हर सुख के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। देव देव जय मंगल।
कौन सी जादू की घुट्टी पिलाकर रखी है परिवार वालों को इसने। तभी तो देखो ना, इसे पहनावे पे आ गई तभी भी किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। बताओ, अरे तुम आरती करती तो लोग भाग जाते हैं। और ये बुढ़ी ने कैसे कैसे चिकनी चुपड़ी बातों से सबकी बोलती बंद कर दी। बताओ, कहां से हमारा बेटा थोड़ी देर और रुक जाता। ये सब पाठ पढ़ाता ना इसको। कहां है लाखन ठाकुर? अरे पूजा पाठ का नाम सुनते ही भाग गया। चुरा लिए, जाइए रिपोर्ट लिखवा दीजिए। तुम भी ना, लेकिन काहे के लिए चुराया? हम फोन चुराए थे ताकि वो पूनम किसी को फोन करके बता ना सके कि उसका कमरा में कपड़ा नहीं है। अब लाखन को काहे फोन लगा रही हो? ये बड़ी अम्मा को बड़ा शौक है अपने घर की इज्जत बचाने का, तो अब देखते हैं कि कैसे बचती है ठाकुर परिवार की इज्जत। हेलो, हाँ पूनम बोलो। हेलो, देखिए अब काट दिया। हेलो, अरे पूनम कुछ बोल काहे नहीं रही हो? आए कलेक्टर साहब के पास जा रहे हैं, मीटिंग है। इतना फालतू का टाइम नहीं है कि बार बार फोन पे हेलो हेलो बोलते रहे, समझी? फिर से काट दिया। फोन कर रही हो, काट रही हो, फोन कर रही हो, काट रही हो। इसमें तो और गुस्से से तमतम आ जाएगा हमारा बेटा। यही तो हम चाहते हैं, लखन ठाकुर गुस्से से तम तमा कर घर वापस। आज नहीं, पूनम और पूनम के फोन दोनों को बताते हैं। उनमें लाखन को आरती दो।
आरती समाप्त हुई। अपने अपने घर जाइए, प्रसादी वहीं मिल जाएगा। नमस्ते। तरीका अपने घर आए मेहमानों से बात करने का। अब अपने घर में अपनी मर्जी से एक त्योहार भी नहीं मनाने देंगे आप हमें? बहुत हो गया लाखन भैया, बहुत सुन लिया। पापा और प्रियम भैया यहाँ नहीं है, इसका मतलब आप ये मत समझिए कि आप कुछ भी मनमानी करेंगे। ये घर और यहाँ के लोग आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, समझे आप? कोई कहीं नहीं जाएगा। समझे आप? समझे, गलती तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पापा और तुम्हारे दोनों बड़े भाइयों का है। इकलौती बहन कह कह के सर पे चढ़ा रखा है। अरे बचपन में दूध कान के नीचे लपड़ लगा के सिखाए होते ना, तो समझ में आता कि कहां मुंह खोलना है और कहां मुंह नहीं खोलना है। पता है लाखन भैया? बुड्ढी, आप लोग को न्योता भेजे, घर जाइए, खत्म हो गया पूजा। रोकिए ना, आप जानते हैं ना लाखन के गुस्से को। हमारे सारे कपड़े धोबी को दे दिए थे, हमारे पास बस यही था पहनने के लिए। हमने बाहर मदद के लिए भेजा था लेकिन कोई नहीं आया। हमने फोन भी ढूंढा लेकिन हमारा
आंखों से सब देख चुके हैं और अब हमको सब समझ भी आ रहा है। लाखन वो ठीक हो ना बेटा? लाखन ने तो कुछ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला। हम हरिया तुमने कहा है सब? अमन में सब देनो। हरिया देखो, जो पूछ रहे हैं ना वो सच सच बताना। हमारे कमरे की अलमारी में से कपड़े लेकर कौन गया था? जुमरी, हम कुछ पूछ रहे हैं, हमारे कमरे की अलमारी में से कपड़े लेकर कौन गया था? अच्छा, अरे कुछ पूछ रहे हैं हम। लाखन ठाकुर ये क्या कर रहे हैं? पूनम की हड्डी पसली एक करने की जगह इन डॉक्टरों का क्लास काहे ले रहा है? जब से इस लड़की से शादी हुई है ना, तब से हमारा बेटा कुछ काम करने से पहले ना कुछ ज्यादा ही सोचने लग गया है। पता कान में तेल डाल लिया क्या सबने? ए दुलाही, कहीं इसको ये तो पता नहीं चल गया कि इस सारा कांड जो है वो हमने। ये लाखन भैया समझते क्या है अपने आप को? जब देखो दूसरों पर धौंस जमाते रहते, हमें ये समझ में नहीं आता तब उनसे इतना डरते क्यों है? आज भी बड़ी दादी ने हमें चुप करवा दिया। काओ गुड्डी जी, काफी परेशान लग रही हैं। दिमाग घूम गया है हमारा, दिल करता है इस घर से दूर भाग जाए। तो भाग जाइए ना, आपको रोक भी कौन सकता है? डोल्ट, हम मजाक नहीं कर रहे, सच में गुस्से में है। मन कर रहा है घर से बाहर जाकर खुली हवा में चैन की सांस ले। तुम चलोगे हमारे साथ? नेकी और पूछ पूछ, अरे हम चलेंगे ना आपके साथ, आपको आइसक्रीम भी खिला देंगे और हमें हमारे मकसद में कामयाबी मिल जाएगी। ब
बहुत अच्छे। लगता है कि सब भूल गए हैं। देखो, इस घर के साथ साथ पूरा बेगूसराय जानता है कि लाखन ठाकुर को अगर गुस्सा आता है ना तो क्या होता है। औरत लखन ठाकुर, लखन ठाकुर, कपड़े तो हम ही लिए रहे लेकिन हमारी कोई गलती नहीं है, हमको माफ कर दो। ये सब करने को हमसे कहा गया था। किसने कहा था? अरे किसने कहा था?